अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ रेमो रहमान ने जीती हुई नशिश छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि PS 129 से PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीता है, मैं इस सीट को नहीं लूंगा। MQM तर्जुमान ने मजीद कहा कि हाफिज नईम ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी जीती हुई नशिश छोड़ने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं। हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PS 129 से PTI का हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीता है, इसलिए उस सीट को नहीं लूंगा। हम मुतालबा करते हैं धांधली की शफाफ तहकीकात कराई जाए। वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं और आजाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका क्या नाम है सैफ बारी वो जीता है जेन्युइन तरीके से, जिसके वोट बेचारे के 31,000 से कम करके पत्नी 11,000 कर दिए गए और MQM के जो वोट थे 6,010 वोट लिए मेरी सीट पर MQM ने जिसको 20,000 शो किया। हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर MQM तर्जुमान का रद्द अमल भी आ गया। कहा कि हाफिज साहब ने अपनी जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से बचने के लिए दस्तबरदार हुए। धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए MQM की तैयारी मुकम्मल है। MQM उम्मीदवार मास मुकदम ने हाफिज नईम के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया था। हाफिज नईम उर रहमान ने मैदान से भाग कर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा है।